यार ये सीए इंस्टीट्यूट कभी कभी यार बहुत मजे लेती है। सब कुछ पता था उनको, सब कुछ पता था उनको। और उन्होंने बोला कारो 2020 एप्लीकेबल रहेगा मई 21 को और नवंबर 21 को। मतलब मई 21 से एप्लीकेबल हो गया, मतलब नवंबर 21 को भी एप्लीकेबल हो जाएगा। सब कुछ उनको पता था कि प्रैक्टिकली कारो फाइनेंशियल ईयर 2022 से आएगा। अब हमने वो हिसाब से लेक्चर भी दे पढ़ा भी दिया, करेक्ट। अब पलट के बोलते नहीं 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 मई 21 को 2016 लगेगा। तो कोई बात नहीं, जिन्होंने 2016 पढ़ा हुआ है वो 2016 फॉलो करिए, और जिन लोगों ने 2020 पढ़ा है हम 2016 के लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे आपको। कोई चिंता करने की बात नहीं है, नो नीड टू गेट वरीड। अननेसेसरी ये कन्फ्यूजन क्रिएट किया है सी इंस्टीट्यूट ने यार, करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी अनफॉर्चुनेटली। चलो कोई नहीं यार, इतना हमने देखा है, इतना सहा है, ये भी देख लेंगे, करेक्ट। तो गाइज मई 21 के लिए पुराना कारो 2016 लग रहा है, एकदम रिसेंट चेंज है।